ये देखो भाई नाइशा क्या कर रही हैं। और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से एक लाइक कर दो। और लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते। और टाइम हो गया है, बताऊँ भाई 2:30 बज गए हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने। और आज मेरा फास्ट है और ये वाला ब्लॉग जाएगा कल, आज मंडे हैं। तो बस अभी उसी के लिए मतलब कुछ दाल दोल बनाऊँगी, वो देखूँगी। और वैसे 2:30 बजे हैं अभी, 4 बजे से भी करने लगूंगी तो हो जाएगा। और नाइशा भी खेल रही है, उठाओ उनको, उठा के आओ बर्तन को। तो अभी कपड़े सूखने के लिए डाल ले हैं मैंने, सुबह के अब धोए हैं। और सुबह के अब धोए हैं तो सूखने के लिए डाल ले हैं मैंने, सुखाऊंगी बाहर थोड़ी देर में। और ये दिखाऊं क्या कर रही है अब पोचा छोड़ के यहाँ पे आ गई है, यहाँ बैठ गई है। क्या कर रहे हो? देखो हाँ गोदी ले, इसको गोदी लेके व्लॉग में आना है। हेलो बोलो सभी को, हेलो कर दो, पहले करियो लड्डू, हेलो हेलो कर दो, कर दो तो हेलो। क्या इसको वो नलकी चलानी है, वॉश बेसिन वाली। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवमी और मैंने फास्ट नहीं कर रखे, मतलब मैंने नवरात्रि नहीं किए की बार भी, पिछली बार भी मैंने नहीं किए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस घर में मतलब पहले नवरात्रि हुए हों तो वहाँ मतलब दुर्गा माँ का वास ही होता है। तो आज उनका मतलब भोग लगाने का वो वक्त आया है, तो उनको खाली हाथ ऐसे मतलब कैसे रह सकती उनका भोग लगाए बिना। नवरात्रि मैं नहीं कर पाई लेकिन उनका भोग आज जरूर लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ और यहाँ पे मैंने देखो हलवा बना दिया है और साथ में चने बना दिए हैं और यहाँ पे पूरी बना के रख दी हैं। तो मतलब वही है भाई जिस घर में, मैं सभी से कहती हूँ अगर आपसे नवरात्रि भी नहीं होते हो और पहले कभी आपने नवरात्रि कर रखे हों तो लास्ट वाले दिन जो भी आपकी अष्टमी या नवमी की कढ़ाई होती है आपको भोग दुर्गा माँ के लिए प्रसाद जरूर बनाएं, क्योंकि दुर्गा माँ का मतलब वो 9 दिन तक आपके घर में ही रहती है, वास होता है उनका, और लास्ट में उनका भोग ना लगाएं तो ऐसा मतलब वो माना जाता है। ठीक है, तो आप जरूर बना के खिलाएं, माँ का भोग जरूर लगाएं। तो अभी फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे नाइशा खा रही है खाना, पूरी फिनिश कर दी है, चने हैं, हलवा मैंने इसको डाला नहीं क्योंकि इसको खांसी हो रही है कल से, और इसको ये कुछ खा नहीं रही थी, फिर मैंने सोचा इसको चूरमा बना के खिला देती हूँ। चूरमा खाया और ऊपर से इसने पानी पी लिया और जिसकी वजह से इसको खांसी आ रही है। तो हलवा इसको देंगी नहीं, बस चने हैं, पूरी दी है इसको और साथ में इसका दूध है ना लड्डू।